आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 10वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी तीन पार्टनर है और वो भी इक्वल रेशो में बांटने वाले हैं और इसमें लिखा हुआ कैपिटल दे रखी है 50,000, 40,000 and 30,000 और आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ ईयर 2016 अकाउंट क्लोज कर दिए हैं। क्लोज करने के बाद हमें फाउंड हुआ, मिला हमें क्या मिला है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल हम पर हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया और सैलरी जो है 3% देनी है। किसको देनी है, ए को देनी है और कमीशन देना है आपको सी को देना है 6,000 रुपये का बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले ये चीज़ें हमने प्रॉफिट ये चीज़ें हमने अभी तक नहीं दी है। इट वाज एग्री अमॉन्ग द पार्टनर टू मेक ए एडजस्टमेंट एंट्री। हमें क्या करनी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एनालिटिक टेबल बनानी पड़ेगी। वो इस टाइप की टेबल आपको बनानी पड़ेगी। इसमें लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रेदर देन द अल्टर द बैलेंस शीट पास ऑन जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ फर्म शोइंग वर्किंग एडजस्टमेंट एज्यूमिंग द कैपिटल आर फिक्स। ये क्या कह रहा है, कैपिटल आर फिक्स्ड, इसका मतलब होता है कि ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस और क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस सेम ही था। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दे रखे हैं ये वाले, यही आपके ओपनिंग है और यही आपके क्लोजिंग है, आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहले पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम नंबर वन। सबसे पहले क्या क्या पॉइंट रह गए पहले वो लेने हैं आपको। पहला तो रह गया एक तो इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर तीनों के नाम क्या है वो लिख देना है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। पार्टनर के नाम चेंज होंगे बाकी सब सेम ही है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी रह गया पहले वो लेते हैं। जो जो चीज़ें बाकी रह गई वही लेनी है हमें। 10% तीनों का 10% निकाल तो कितना होता है 5,000। अब ये सब उसके हिसाब से लेना है, पार्टनर कैपिटल के हिसाब से। वहाँ पर सीआर होता है तो ये भी क्या होंगी आपकी सीआर होगी 5,000, 4,000 and 3,000। यहाँ पर सीआर है तो इसके अंदर क्या होगा आपके डीआर होगा, तो हो जाएंगे आपके 12, ये होता है 12। नेक्स्ट है आपके अगला है सैलरी, सैलरी कितना देर का है 3,000 पर ईयर सैलरी, तो हम यहाँ सैलरी लेते हैं। ओनली किसके है, एक ही है तो हम एक ही लिखेंगे। कितनी सैलरी है 3,000। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिस अकाउंट लिखते हैं ना सीआर, तक सीआर लिखना है आपको और यहाँ सीआर तो फर्म में क्या हो जाएगा आपके डीआर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमीशन, तो हम कमीशन भी लेते हैं। कितना कमीशन दे रखा है 6,000, वो भी केवल सी को मिल रहा है। इधर सीआर तो फर्म के अंदर डीआर। अब क्या करनी है आपको, जोड़ करनी है, तो इसकी जोड़ कितनी होती है आपके, इसकी जोड़ कितनी होती है, तीनों की जोड़ करेंगे तो क्या होगा 9 और 12 और 9 कितना होगा अब 21 हो गए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर ये हो गए आपके 21,000। तो यहाँ भी क्या कर दो आप 21,000 कर दो। अब बैलेंस मिलाना पड़ेगा, इधर कुछ भी है नहीं तो पूरी की पूरी जोड़ 21,000 आ जाएगी यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं 21,000 को तीनों में बांट देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट। अब तीनों में कैसे बांटेंगे, रेशो क्या दे रखा है, इक्वल रेशो है, तो इधर आएगा आपके 7,000, इधर भी आएगा 7,000 क्योंकि यहाँ सीआर, तो इन तीनों के अकाउंट में क्या आ जाएगा आपके डीआर हो जाएगा। अब हमें करनी है तीनों की जोड़, तो ये कितना होता है आपके 7,000, ये कितना होता है 8,000, ये होता है 7,000, ये होता है 4,000 और ये होता है
7,000 और ये होता है 9,000। अब यहाँ पर देखो जोड़ बाकी अंतर निकालो, तो अंतर निकालेंगे बताओ इसमें ज़्यादा कौन है, 1,000 DR में CR में ज़्यादा है, फिर इन दोनों में 3,000 ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, DR में, और इन इन दोनों के अंदर CR में 2,000 ज़्यादा है। अब इसकी एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, DR में कौन रहेगा, अकेला B, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बीज कैपिटल अकाउंट DR 2 A एंड 2 C's अकाउंट, आपको लिखना है कितने रुपए दे रखे हैं, डी बी में कितने हैं 3,000, ए में कितने हैं 1,000 और सी में कितने हैं 2,000। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन इस टाइप का ही है, बस यहाँ पर सिंगल एंट्री थी और यहाँ पर आपके पेंडल एडजस्टमेंट है। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयर दे रखा है 221 का, इसने कहा है 31 मार्च 2006 को आफ्टर रिकॉर्डिंग ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट, एक तो ड्रॉइंग इसने एडजस्टमेंट किया हुआ है और एक प्रॉफिट एडजस्टमेंट किया हुआ है, प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है ऑफ रुपीज 30,000 प्रॉफिट दे रखा है, देयर कैपिटल कैपिटल जो दे रखी वो है 60, 45 एंड 30, इसमें ड्रॉइंग है, अब ड्रॉइंग पता नहीं कितनी है वो बाद में लिखी हुई आएगी, प्रॉफिट जरूर दे रखा है, कितना दे रखा है 30,000 दे रखा है और ड्रॉइंग भी इसके अंदर एडजस्टमेंट है और ये तीनों कैपिटल आपके दे रखी है। आफ्टर दिस वाज फाउंड डेट 5% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपको देना है, ड्रॉइंग यहाँ पर लिखी हुई ये रही ड्रॉइंग आपके, तीनों की ड्रॉइंग आपके दे रखी है और इंटरेस्ट भी दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तीनों का ही। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हमें जनरल एंट्रीज भी करनी है फॉर द अबव ओमिशन, जो भी हमने तीन चीज़ें हैं दो चीज़ें जो भी नई चीज़ें ऐड करनी है आपको, दो चीज़ें हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपको प्रिपेयर एडजस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाने हैं, तो आपको सबके लिए एंट्री देनी, सबके लिए एंट्री देने का एक एंट्री नहीं पूछा, सबके लिए एंट्री दो, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी इसने क्या कहा, ध्यान देना ड्रॉइंग और प्रॉफिट इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, इसका मतलब ऐड तभी होते हैं जब वो पार्टनर कैपिटल है ना फिक्स नहीं होती है, क्या होती है फ्लक्चुएशन होती है, तो इसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी ऑफ ऑल पार्टनर, क्योंकि ओपनिंग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है ओपनिंग कैपिटल निकालने का, तो पहले हम क्या लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे ड्रॉइंग और लेस क्या करेंगे प्रॉफिट। अब सबकी कैपिटल कितनी दे रही है क्लोजिंग कैपिटल, क्या नाम है एक्स वाई जेड, इसकी कितनी है 60,000, इसका कितना है 45,000 और इसका कितना है 30,000, ये तीनों कैपिटल आपके यहाँ पर दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आपको ड्रॉइंग लेस करना है, ड्रॉइंग कहाँ पर है, ये रहा ड्रॉइंग, तो ये आ जाएगा आपके 6,000, 4,500, इसने ऑलरेडी लेस कर दिया तो हम वापस से ऐड कर देंगे, तो करो ऐड लेस, तो ये हो गया आपके 66,000, ये हो गया ऐड करना है ना, ये देखो और 49,500 क्योंकि लेस कर दिया था, वापस ऐड कर रहे हैं ओपनिंग लाने के लिए। अब हम प्रॉफिट लेस करेंगे, प्रॉफिट कितना देर का है 30,000 का प्रॉफिट है, रेशो कितना है 2:1 का है, 30 में 5 का भाग दो 6 बार जाएगा, तो 6 दुनी 12, 6 एकम 6 हो गए 30,000, तो ये कितना है माइनस करने पर कितना आते हैं 54,000 और यहाँ माइनस करने पर कितना आता है 37,500 और यहाँ माइनस करने पर कितना आता है 27,600। अब हमें क्या निकालना है, इस पर इंटरेस्ट निकालना है, कितना परसेंट निकालना है 5%, 27,600 तो लेस करोगे तो क्या होगा, लेस यही रहता है, चेंज थोड़ी होता है,
माइनस करो इसका इंटरेस्ट निकालो तो कितना होता है 5%, इसका होता है 2700 रुपये, इसका होता है आपके 1875, आधा कर दो बस उनको और कुछ नहीं, और इसका आधा होता है आपके 1380, आठ थोड़ा आधा आठ ऐसे निकाल, ये आ गया तीनों का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब कुछ देर का आपके, अब हमें क्या बनाना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो बनाओ एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमें केवल दो ही पॉइंट लेने हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये एडजस्टमेंट अकाउंट है ये ध्यान रखना। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले इधर क्या आता है, टू टू क्या लेते हैं यहाँ पर हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका, तीनों का ही जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, एक्स का वाई का एंड जेड का, 2700 रुपये, 1875, 1380, तीनों की जोड़ कर लेंगे दिया आएगा आपके 5955। अब यहाँ पर लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट कुछ नहीं आता यहाँ पर आपकी, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी एडलेस किया हुआ है। तो ड्राइंग ये रहा आपकी 120, 90 और 45, तो हम लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड, 120, 90 और 45, तीनों की अगर जोड़ कर लेंगे तो ये होता है आपके 255। ये कहाँ भेज देंगे हम, पार्टनर कैपिटल में भेज देंगे, और क्या नाम है, एक्स वाई एंड जेड, पहले जोड़ कर लो, 5955, तो क्या आएगा 5700। रेशो क्या है, 2:1, 5 का भाग देंगे और फिर तीनों में बांट देंगे, तो कितना आता है आपके 2280, इसमें भी 2280, इसमें इसका हाफ आएगा। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हम बनाते हैं, ये आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीन नाम है, एक दो और एक तीन, एंट्री तीन करनी है आपको, किसकी एंट्री, ये लिखी हुई फर्स्ट एंट्री, सेकंड और थर्ड, अभी कराते हैं एंट्री, पहले हम अकाउंट बना देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा आपके, बाई बैलेंस बीडी, कौन सा बैलेंस जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, या फिर ये वाला ऊपर वाला क्लोजिंग कर, क्लोजिंग लेंगे, अगर आपने ये वाला बैलेंस ले लिया तो आपको प्रॉफिट और ड्रॉइंग वापस लिखना पड़ेगा, और अगर हमने ऑलरेडी हमें यही लो डायरेक्ट 60, 45 और 30, तो हम लेते हैं यहाँ पर 60, 60, 45 एंड 30, फिर हम क्या लेते हैं, तीन पॉइंट बाकी रहेगा, ये तीनों पॉइंट यहाँ से लेने हैं आपको, तो क्या आ जाएगा आपके, ये टू में, ये क्या आएगा आपके बाई में, और नाम क्या लिखोगे, P&L एडजस्टमेंट लिखना, और आपको यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो ये आ गया आपके 2700, 1875 और 1380। अब दो पॉइंट इधर वाले ना बाई में, इधर कहाँ आएंगे आपके टू में, यहाँ लिखते हैं हम क्या लिखोगे, P&L एडजस्टमेंट ही लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने देर के, 120, 90, 45, ऊपर देख लेना आप, 120, 90 और 45। अब ये लास्ट बचा है ये वाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वापस से वही लाइन लिखनी है, टू P&L एडजस्ट, सब एडजस्टमेंट में लिखना यूज करना, तो इस ये क्या है आपका, प्रॉफिट है या फिर लॉस, दोनों में से कोई एक होगा, जो भी लॉस ही है वैसे, 2280, 2280 एंड 1140, जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा आपके बैलेंस सीडी। इसमें आपके तीन एंट्री होगी, वो भी इसी की होगी, ओनली P&L एडजस्टमेंट वाले की एंट्री होगी, तो जोड़ लो कितना होता है, ये होता है 62,700, ये होता है 45 और 1, 46,875, और ये होता है आपके 31,380, 62,700,
46,875 और 31,380। अब घटा दो इसमें से, घटाते यहाँ पर आपके बचेगा 66,300। आगे माइनस करोगे तो ये आएगा 44,505 और लास्ट वाले में आएगा आपके 30,155। ये तो अकाउंट बना लिया हमने। अब जनरल एंट्री पूछी है तो केवल इन्हीं की जनरल एंट्री होगी आपकी, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी एंड एल एडजस्ट, देखो या तो करो दो एंट्री मैंने बताया था ना, देखो या तो करो ये पी एंड एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर क्या करेंगे हम अब ये वाली इसकी, देखो ये बाई में ये कहाँ आएगा आपके टू में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, तीनों के नाम पार्टनर के नाम ए बी एंड सी। अब बताओ दोनों की जगह एक ही एंट्री करनी होती तो ये वाला और ये वाला कट जाता, हमारी एंट्री क्या होती पी एंड एल एडजस्टमेंट टू ए टू बी एंड टू सी। कितना है आपके टोटल जो अमाउंट है वो दे रखा है 5,955, अमाउंट है 2,700 1,875 एंड 1,380। या तो ये दो एंट्री करो या फिर एक एंट्री करो। अब दो एंट्री और करेंगे तो वो भी देखो, अब ये आपके टू में था, अब ये बाई वाला है तो यहाँ पर देखो ये पेंड लेना कहाँ चला जाएगा आपके टू में, इस बार नाम ऊपर आएंगे ए बी एंड सी। कितना रुपए दे रखा है, रुपए आपके पता ही है 120,945 और कितना था 255। ये हो गया दूसरी एंट्री। थर्ड एंट्री में भी आपको सेम लिखना है ए बी सी टू पी एंड एल एडजस्टमेंट और इसमें आपके ये रहा अमाउंट ये वाला 2,280 और 1,140 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके टोटल कितना था 5,700। तो ये तीन एंट्री करो या फिर डबल एंट्री छः एंट्री भी आप कर सकते हो या फिर तीन एंट्री आपको करनी है। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 12। पी क्यू आर तीन पार्टनर है, देयर कैपिटल अकाउंट 90, 45 and 75 कैपिटल दे रखी है। अब यहाँ पर देखो 31 मार्च को ये ही एंड की कैपिटल है। इसने कहा है कि आर वाज टू बी अलाउड ए रेमुनरेशन 9,000 पर एनम, आर को रेमुनरेशन देना है, इंटरेस्ट दे रखा है आपके प्रोवाइड करना है। अब देखो यहाँ पर तो कहे ना क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और ये पॉइंट तो हमने दिए ही नहीं, आर को हमने रेमुनरेशन नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लगा ही नहीं और प्रॉफिट डिवाइड कर दिया 2:1 के अंदर हमने प्रॉफिट भी डिवाइड कर दिया और नेट प्रॉफिट ऑफ कितना दे रखा 54,000, नेट प्रॉफिट भी डिवाइड कर दिया 54,000 था ना इन तीनों में दे दिया, तो हमने इस रेशो में बांट भी दिया है। इट वाज डिवाइडेड अमंग द थ्री पार्टनर इक्वली। अब जो रेशो है नया वाला, अब वो क्या करना है आपको इक्वली बांटना तीनों के अंदर, लिखा हुआ आपके इट वाज डिवाइडेड अमंग द थ्री पार्टनर इक्वली, मेक जनरल एंट्री फॉर रिफ्लेक्शन एंड सो वर्किंग। तो आपको क्या करना है प्रॉफिट तीनों में बराबर बराबर आपको बांटना है। प्रॉफिट रेशो ये है लेकिन आपको ये नहीं रखना है, आपको नया रेशो आपको लेना है वो भी आपके इक्वल इक्वल बांटने का। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर तीनों कैपिटल निकाल लेते हैं। तो देखो इक्वली नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000 दे रखा है, इट वाज डिवाइडेड अमंग द थ्री पार्टनर इक्वली, तीनों में इक्वली बांटना है प्रॉफिट को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये तीनों का नाम क्या क्या है पी क्यू एंड आर, सबसे पहले लिखते हैं इनकी क्लोजिंग कैपिटल। सेम क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम तरीका अपनाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट और जो हमने बांट दिया था ना वो पॉइंट लेंगे हम, ये ध्यान रखें। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है आपके ये रहा 90, 45, 45
अब हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग तो उसके अंदर है नहीं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, क्या करेंगे प्रॉफिट माइनस करेंगे जो हमने इसमें बांट दिया। तो ये लिखा हुआ है प्रॉफिट वे डिवाइडेड टू 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 वन में बांट दिया, तो टू टू वन ही लिखेंगे, जो बांट दिया ना वही हमें यहाँ यूज में लेना। तो कितना हो जाएगा आपके 54,000 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा आपके 27 बार जाएगा। अब इसका जो भी रेशो है इक्वली बांटा था या इक्वली बांटना है, इट वाज पहले ये था अब ये वाला करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा तीनों में इक्वल इक्वल लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वली बांट दिया था, इट वाज ये वाला डिवाइड कर दिया था और हमें ये वाला, ये तीन पॉइंट करने हैं, 1, 2 और 3 पॉइंट करने हैं। आप इंग्लिश है ना, कितने कितने हैं, तीनों बराबर बांट दो, 18, 18 और 18 ये वाला बांट दिया था और अब आपको नया 2, 2, 1 रखना है, ये थोड़ा ध्यान रखना लाइनों का। माइनस कर दो कितना आ जाएगा 72,000 27,000 and 27,000। अब इस पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट आपके 5% दे रखा, तो कितना होता है 5% निकालो, आधा आधा कर दो कितना होता है 36, इसका कितना होता है आपके 27 का आधा 1,350 और इसका भी होगा आपके 1,350, तीनों के अमाउंट आ गए। अब ये तीनों पॉइंट करने बाकी रह गए, अब मुझे क्या करना है, पेनलाइजेशन बनाना है या क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ मेक जनरल एंट्री फॉर रिफ्लेक्शन एंड सो वर्किंग, एक एंट्री में ही रिफ्लेक्शन सब कुछ हो जाने चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एनालिटिक टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में नंबर वन पॉइंट हमने जो नहीं किया वो लेते हैं, आर को क्या देते हैं रिम्यूनरेशन, तो यहाँ पर देखो नाम लिखना पड़ेगा आपको, पहले का नाम क्या था पी, अगले का नाम क्या है क्यू, फिर क्या नाम दे रखा है आर। सबसे पहले क्या आएगा रिम्यूनरेशन, किसको देना है आपको, ओनली आर को देना है और कितने रुपए देना है 9,000 देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9,000 को, इधर सी आर, तो इधर क्या आएगा आपके बी आर। रिम्यूनरेशन के बाद में सेकंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, सब सी आर ही करना है, 3600 इधर, फिर 1,350 3050 ये भी आपके 1,350, तो तीनों का जो जोड़ होता है वो होता है 6,300 रुपये, इधर सी आर तो इधर। अब हमें तीसरा पॉइंट लेना है, तीसरा पॉइंट क्या लेना है आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बांटना है 2, 2, 1 में बांटना है, और आपने क्या गलती कर दी थी, इक्वली बांट दिया था, तो उसको हम एडजस्टिंग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट, जो गलती है ना ये गलती को हम यहाँ लिखेंगे, कितने गलती है 18,000 रुपये की, तो देखो 18,000 हमने वहाँ पर क्रेडिट कर दिया, सी आर करते हैं ना हमेशा पार्ट कैपिटल में, तो गलती सुधारने क्या करेंगे उसको डी आर कर देंगे, तो ये आएगा आपके 18,000, ये गलती है आपकी, मिस्टेक कह सकते हो आप, प्रॉफिट नहीं है मिस्टेक कह रहा हूँ मैं, वहाँ पर गलती सी आर कर देता, सही करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम डी आर करेंगे, क्योंकि ये रेशो नहीं था, हमने रेशो चेंज करना था, तो ये कितने आ जाएंगे आपके 54,000 54,000, तो यहाँ पर सी आर है, हाँ डी आर है, तो इधर क्या आएगा आपके सी आर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जोड़ टोटल करना पड़ेगा, करो टोटल कितना होता है 54,000, तो इधर भी कितना करो 54,000, डिफरेंस कितना आएगा 54 में से ये वाला आप माइनस कर दो, तो ये आएगा आपके 38,700। अब आपका प्रॉफिट होगा जो मेन न्यू, और ये न्यू है ना, तो न्यू रेशो में बांटा 2, 2, 1 में, 2, 2, 1 जैसे बांटेंगे तो इधर आपके डी आर, इधर क्या आएगा आपके सी आर, इसमें 5 का भाग देना है, और जैसे क्या आएगा आपके 15,480 और इधर आता ही आएगा आपके जो होता है 7,795। अब जोड़ कर लो, इधर की जोड़ जो होती है वो होती है कितनी, आपको जोड़ करनी पड़ेगी आपको, तो ये जोड़ होती है आपके 18,000 और ये हो रही है 18,19,000, ये जोड़ हो रही है आपके 18,000 और ये जोड़ हो रही है आपके 16,000।
को ध्यान लगाएंगे तो ज़्यादा किधर है, सीआर साइड में ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सीआर साइड में? 1080 रुपये सीआर साइड ज़्यादा। इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा किधर है? डीआर साइड में ज़्यादा है। और डीआर साइड में कितना ज़्यादा है आपके? 1170 रुपये ज़्यादा है। इन दोनों का कंपेयर करते हैं ज़्यादा किधर है आपके? सीआर साइड में ज़्यादा है। कितना है? 90 रुपीज़ का। तो डीआर केवल कौन है? क्यू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्यूज अकाउंट डेबिट 1170। टू पी भी आएगा और टू आर भी आएगा। इधर तो आएगा आपके 1080, इधर होगा आपके 90। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहां पर शेयर कर सकता हूं। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।